हैं इंडिया आज तक की लाइव आपकी आवाज। शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, गाड़ी सहित मकान के कमरे में रखा सामान जलकर हुआ राख। कमरोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत यूपी सीडा आवासीय कॉलोनी सेक्टर 5 के एक मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। वहीं आग से मकान के अंदर खड़ी हुई कार व मकान के कमरे में रखा हुआ घरेलू सामान भी आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर फायर ब्रिगेड इंडोरामा की टीम व जगदीशपुर फायर ब्रिगेड ने किसी तरह आग पर काबू पाया है। मकान मालिक अल्लन शुक्रवार को नमाज अदा करने गए थे, इसी दौरान अचानक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे घर में रखा सामान और मकान में खड़ी हुई कार भी बुरी तरह जलकर राख हो गई है। मकान मालिक की माने तो आग की चपेट में आने से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस संबंध में कमरोली इंस्पेक्टर निर्मल सिंह ने बताया कि आग को बुझा दिया गया है। पीड़ित के अनुसार कार समेत काफी सामान जल गया है, बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं और अन्य विधिक कार्रवाई इसके आगे की जा रही है। अमेठी से संवाददाता उमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट।